हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है चांद पर लैंड करने के बाद क्या क्या करेगा चंद्रयान 3? पूरी दुनिया में होगा भारत का नाम। भारत के चंद्रयान 3 मिशन ने अब तक के अपने हर पड़ाव को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। ये पृथ्वी की कक्षा छोड़ने और अपनी ट्रांस चंद्र यात्रा शुरू करने के बाद चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। अंतरिक्ष यान के 5 अगस्त को चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र में पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अंतरिक्ष यान पर नजर रख रहा है और जांच के साथ निरंतर संचार बनाए रख रहा है। बता दें कि यह 38,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक की स्पीड से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसरो ने कहा है कि अंतरिक्ष यान के 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतरने की उम्मीद है। चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र को लक्षित करेगा, जो विज्ञान के लिए एक समृद्ध भंडार है। चंद्रयान अज्ञात दुनिया के रहस्य को बेपर्दा करने के कई अहम पड़ाव पार कर चुका है। चंद्रयान 3 अपने साथ 8 पेलोड का एक सेट ले गया है, जिसमें अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा उपलब्ध कराया गया एक पेलोड भी शामिल है। आइए अब आपको बताते हैं कि चांद पर लैंड करने के बाद चंद्रयान 3 क्या करेगा। चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल ISS नाम का एक विशेष उपकरण ले जा रहा है, जिसका मतलब चंद्र भूकंपीय गतिविधि से जुड़े डिवाइस से है। ISS का मुख्य काम चांद के भूकंपों का पता लगाना और उनका अध्ययन करना है। आसान शब्दों में कहें तो यह चंद्रमा की सतह के नीचे कंपन या गड़गड़ाहट का पता लगाएगा। जानकारों का मानना है कि चांद के पृथ्वी से 1,000 गुना अधिक शांत होने की उम्मीद है। एक बार जब ISS इसकी पुष्टि करेगा तो यह भविष्य की खोज में रोमांचक संभावनाओं का विस्तार होगा। यह चांद की सतह पर लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव वेधशाला भी स्थापित करेगा। LIGO एक उन्नत उपकरण है जो गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने और उनका अध्ययन करने के लिए है। रंभा और लैंगमुइर LP डिवाइस प्लाज्मा गतिविधियों की स्टडी करने के लिए है। प्लाज्मा पदार्थ की एक अवस्था है जिसमें इलेक्ट्रॉन और आयन जैसे आवेशित कण होते हैं। यह शोध भविष्य के चंद्र अन्वेषण मिशनों के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर अगर इंसान को चांद की सतह पर लंबे समय तक रहना है या इसे अंतरग्रहीय यात्रा के लिए आधार के रूप में उपयोग करना है तो यह बेहद जरूरी है। चांद का सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चंद्रयान 3 के लिए एक महत्वपूर्ण पेलोड है, जो चांद की सतह के थर्मोफिजिकल व्यवहार का अध्ययन करने पर केंद्रित है। चायसटी के प्रयोग हमें तापमान भिन्नता के प्रति चंद्रमा की सतह की प्रतिक्रिया के बारे में मूल्यवान डेटा प्रदान करेंगे, जो उन प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेंगे जिन्होंने लाखों वर्षों में चंद्रमा के इलाके को आकार दिया है। लेजर रेट्रोरिफ्लेक्टर एरे नासा का एक महत्वपूर्ण पेलोड है, जिसे चंद्रमा और पृथ्वी के बीच वास्तविक समय की दूरी मापने की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है। वास्तविक समय दूरी माप प्राप्त करके हम चंद्रमा के कक्षीय व्यवहार और पृथ्वी पर इसके प्रभाव की गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन निजी क्षेत्र की भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ सैटेलाइट लॉन्च करने की लागत नीचे आएगी। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो और अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।